हे गाइस, बॉडी बिल्डिंग अपडेटेड में आप सभी लोगों का स्वागत है। एंड बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से जुड़े बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड लेटेस्ट अपडेट लेके आप सभी लोगों के लिए आ चुका हूँ। स्वागत चैनल पे पहली बार आए हो तो ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट जानने के लिए आप लोग बॉडी बिल्डिंग अपडेटेड को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से प्रेस कर लेना। तो चलिए तो गाइस, अब बात करते हैं आज के अपने पहले अपडेट के बारे में, जो की होने वाला है निक वॉकर के बारे में। तो निक वॉकर ने अपना 5 वीक्स आउट का अपडेट शेयर किया है, जिसमें आप लोग उनकी करंट कंडीशनिंग को देख सकते हो। एंड आप लोग को ध्यान होगा, निक वॉकर ने जब अपना प्रीवियस अपडेट शेयर किया था फिजिक का, तब उनकी लेफ्ट लेग में नीचे की साइड रेडनेस देखने को मिल रही थी। एंड पता नहीं वो किस टाइप की रेडनेस थी, किसी सर्जरी की रेडनेस थी या आई डोंट नो किस चीज की थी, बट अभी देख सकते हो फिलहाल में वो नहीं है। तो लेट्स सी आगे आने वाला पैकेज उनका कैसा रहता है। तो चलिए तो गाइस, अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो की होने वाला है सैमसंग दौदा के बारे में। तो सैमसंग दौदा ने अपना लेटेस्ट फिजिक अपडेट शेयर किया है, जिसमें वो मेन फोकस करते हैं अपने शोल्डर की साइड। बाद बाकी आप लोग उनके बाइसेप्स एंड उनके ट्रैप्स के साइज को देख सकते हो, जो कि काफी ज्यादा ह्यूज लग रहा है अभी के टाइम पर। एंड आई थिंक गाइस, सैमसंग दौदा ने मिस्टर ओलंपिया में जो भी कमियां थी उनकी फिजिक के अंदर, उसको साइज से फिल अप कर चुके हैं एंड काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट अभी अपनी फिजिक के अंदर कर चुके होंगे वो। एंड आप लोग को पता ही होगा कि सैमसंग दौदा भी आर्नोल्ड क्लासिक 2023 के अंदर कॉम्पीट करने वाले हैं, जो कि होने वाला है मार्च में। तो अभी ये भी 5 वीक्स आउट है आर्नोल्ड क्लासिक से। बाद बाकी आप लोग इनकी फिजिक कैसे लगी कमेंट में बताना। एंड हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि होने वाला है महेश चौहान के बारे में। तो महेश चौहान ने भी अपना लेटेस्ट फिजिक अपडेट शेयर कर दिया, जिसमें आप लोग उनकी करंट कंडीशनिंग को देख सकते हो। एंड लेटेस्ट पोस्ट के अकॉर्डिंग महेश चौहान ने अभी हम लोगों को कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि वो आगे किस शो के अंदर हम लोगों को कॉम्पीट करते हुए नजर आ सकते हैं, ना ही अभी उन्होंने अपनी किसी भी शो के लिए प्रेप स्टार्ट करी है। बाद बाकी आप लोग को उनके जो फिजिक अपडेट उन्होंने शेयर किया है वो कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट सेशन के अंदर तो बता ही सकते हो महेश चौहान का फिजिक अपडेट के बारे में। तो चलिए तो गाइस, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि होने वाला है आनंद यादव के बारे में। तो आनंद यादव ने भी अपना लेटेस्ट फिजिक अपडेट शेयर कर दिया, जिसमें आप लोग इनकी करंट कंडीशनिंग को देख सकते हो। एंड इस अपडेट के अंदर उन्होंने हम लोग को बताया कि उनका जो करंट वेट है वो है 94 kg। एंड फिलहाल वो अपनी डाइट इतने ज्यादा ढंग से नहीं ले पा रहे, मतलब उनका फोकस नहीं है अभी उनके डाइट पर। एंड फिलहाल में जैसे कि उन्होंने बताया कि 14 फेब को उनकी जिम की ओपनिंग है, तो भाई उसी के लिए वो थोड़ा लगे हुए हैं। बाद बाकी आप लोग इसके बावजूद भी उनके क्वाड्स की कंडीशनिंग देख सकते हो, भाई क्या ही सेपरेशन आप लोगों को देखने को मिल रही है उनके क्वाड्स के अंदर। एंड आप लोगों को आनंद यादव का जो फिजिक अपडेट है वो कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट सेशन के अंदर बता ही सकते हो। एंड हम बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो की होने वाला है राम निवास मलिक के बारे में। तो फाइनली राम निवास मलिक ने रिप्लाई दिया जो मिस्टर इंडिया के अंदर कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी उसके बारे में। एंड आप लोग को वीडियो देखना है कम्प्लीटली तो लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग जाके देख सकते हो। जो आपका मिस्टर इंडिया वाला जो हुआ था जो रिसेंटली, उस पर भी थोड़ी हो गई थी कॉन्ट्रोवर्सी, उसमें भी हुई है आपके बीच में और अनुज भैया के बीच में। बहुत गलत बोला उन्होंने, सुना है मैंने, स्टेज पे भी फील भी हुई वो चीजें। अच्छा, स्टेज पे भी हुआ था ऐसा कुछ? मतलब मैं अगले बंदे की हर चीज में हेल्प कर रहा हूँ, अकाउंट उनका हैक हुआ मैं उसमें भी मैंने उनकी हेल्प करी है, उसके बाद कहीं इधर उधर बहस हुई है उसमें भी मैं साथ खड़ा हूँ। बट अगर वो इतनी ऐसी हरकतों पे उतर आएंगे तो मुझे वो नहीं पता था। बट अगर यही बात है कि भाई एक हर बार मतलब उंगलियां उठाने वाली, तो इसका जवाब चुप रह के दे तो बेस्ट है। जो बात मैं उनको बोल रहा हूँ इसकी एक भी वीडियो बना के मेरा नेगेटिव बता दे। तो चलिए तो गाइस, अब बात करते हैं आज के अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि निकल के आ रही है राहुल फिटनेस के बारे में। एंड राहुल फिटनेस ने भाई अपना जो लेटेस्ट फिजिक अपडेट है वो शेयर कर दिया है, जिसमें गाइस वो रिवील करते हैं अपनी करंट कंडीशनिंग को। साथ साथ आप लोग देख सकते हो उनके चेस्ट, उनके मिडल एरिया, उनके शोल्डर की कंडीशनिंग को। साथ साथ आप लोग उनके डेल्स भी देख सकते हो भाई फ्रंट साइड से, कि राहुल फिटनेस ने अपने फ्रेम पर एक ह्यूज मसल मास गेन कर लिया। वैसे तो इसकी उनको जरूरत नहीं थी, बट गाइस आप लोग सोचो कि इतने मसल मास के बाद में जब वो कटिंग से होकर आएंगे और जो कंडीशनिंग लेके आएंगे इस बार के दिल्ली प्रो शो के अंदर, भाई नेक्स्ट लेवल होने वाली है। तो गाइस आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप लोग मुझे कमेंट सेशन के अंदर बता देना। सो हम बढ़ते हैं आज के अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो की होने वाला है अली बिलाल के बारे में। तो भाई अली बिलाल ने भी अपना जो लेटेस्ट फिजिक अपडेट है उसको शेयर कर दिया है। एंड गाइस जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ वो तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बताना चाहिए नहीं, पर गाइस ये वाला जो फिजिक अपडेट है उन्होंने 16
सेकंड पहले डाला था एंड 16 सेकंड बाद मैं आप लोग को अपडेट लेके आ भी चुका हूँ। मतलब इतना फास्टर अपडेट आप लोग कहीं और मिलेगा नहीं गाइज। तो सब्सक्राइब कर लो यार बॉडी बिल्डिंग अपडेटेड को, एंड आप लोग उनकी कंडीशनिंग देख सकते हो अली बिलाल की, जिसमें वो अपनी बैक की कंडीशनिंग को दिखाते हैं। साथ साथ आप लोग उनकी फ्रंट बॉडी कंडीशनिंग देख सकते हो, एंड एब्डोमिनल एरिया में तो भाई अली बिलाल एज ऑलवेज अनबीटेबल रहने वाले हैं। एंड आई थिंक सो दिल्ली प्रो शो के अंदर भी अली बिलाल कॉम्पीट करते हुए नजर आए, तो आप लोग क्या लगता है कमेंट में बता देना। सो गाइज आज के वीडियो में तो सिर्फ इतने ही अपडेट्स थे। अगर जो चैनल पर नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से प्रेस कर लेना, एंड मैं मिलता हूं इस वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय गाइज।